हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है जिंदगी, क्या सुख क्या दुख बड़ी आस है जिंदगी, न शिकायत करो न कभी उदास रहो, जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दीजिए। आज की क्लास हमेशा की तरह बेहद खास है। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कुछ ऐसे परसेंटेज के सवालों को जिनमें कोई विद्यार्थी एक परीक्षा को देकर के आता है, कुछ सवाल गलत करता है, कुछ सवाल सही करता है, इसमें से पेपर में सवाल बनता है, उस सवाल को करना है कैसे देखेंगे सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो सवाल मैं आपके सामने लगा देता हूं, उसके बाद में आप सारे लोग इस सवाल का उत्तर बताएंगे, सब लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, एक छात्र एक परीक्षा में भाग लेता है, एक छात्र एक परीक्षा में भाग लेता है, इस परीक्षा में सही उत्तर देने पर 5 अंक प्राप्त होते हैं, 5 अंक प्राप्त होते हैं, किंतु गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल 230 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि वो 60 प्रश्नों के उत्तर देता है। परीक्षा का पूर्णांक बताओ। ऐसा करके सवाल है। पेपर में आप अक्सर ऐसे सवालों को देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं कि एक छात्र एक परीक्षा में भाग लेता है, इस परीक्षा में सही उत्तर देने पर 5 अंक प्राप्त होते हैं, किंतु गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल 230 अंक प्राप्त होते हैं, वो 60 प्रश्नों के उत्तर देता है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है, ऐसा हमको करके बताना है। आपको बताना है कि कितना उत्तर आएगा। सब लोग बताएंगे जल्दी से। परीक्षा का पूर्णांक नहीं बताना है सवाल के अंदर, एक्चुअली डस्टर इधर है। सवाल में आपको यह बताना है कि बताइए उस व्यक्ति ने या उस छात्र ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, यह बताना है आपको। ऐसा सवाल है, यह बताइए कितने सवाल उसने सही करे थे, ऐसा हमको बताना है। 60 सवाल टोटल उसने करे, उसमें से सही कितने करें और गलत कितने करें, ऐसा बताना है हमको, केवल सही वाला बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए सवाल का आंसर। सब लोग बताएंगे जल्दी से। बहुत खूबसूरत सवाल आपके सामने लहरा रहा है, आपके दामन में पड़ा है, आपकी कॉपी पर बिखरा पड़ा है, आपको इसका उत्तर देना है। चलिए खूबसूरत
सवाल में कह रहे एक छात्र एक परीक्षा में भाग लेता है, इस परीक्षा में अगर सही उत्तर देते हैं तो 5 अंक प्राप्त होते हैं, गलत देते हैं तो 2 अंक काट लिए जाते हैं, इस प्रकार व्यक्ति को कुल 230 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि वो 60 प्रश्नों का उत्तर देता है। हमको ये बताना है कि उस छात्र ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। सब लोग बेहद ध्यान से इस खास सवाल को देखेंगे, भाई उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, 60 प्रश्नों का उत्तर दिया। भाई आप लोग एक बात बताओ, अगर उसने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया है, 60 प्रश्नों का उत्तर उसने दिया है, तो अगर सही सवाल करता है, सही सवाल करता है तो कितने अंक मिलते हैं, 5, और गलत सवाल करता है तो कितने अंक मिलते हैं, 2 मिलते हैं। सही करता है तो 5 मिलते हैं, गलत करता है तो 2 काट दिए जाते हैं। सही करता है तो 5 प्लस कर दिए जाते हैं, गलत करता है तो 2 माइनस कर दिए जाते हैं। ऐसी कहानी है ना, सही करता है तो 5 प्लस कर दिए जाते हैं और गलत करता है तो 2 काट दिए जाते हैं। सवाल में उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया, 60 प्रश्नों का उत्तर दिया। भाई एक बात बताओ, सवाल में जब उसने 60 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो अपने हिसाब से तो सबके सही उत्तर दे के आया होगा, क्यों जी हिमांशु भाई? भाई सभी के सही उत्तर दे के आया होगा। कभी तुम गलत पेपर में ऐसा करके आते हो कि जी मैं 10 क्वेश्चन करके आया हूँ, इनमें से 8 सही करके आया हूँ, 2 गलत करके आया हूँ। आप तो 10 के 10 सही करके आते हो, वो तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको ठीक नहीं लगता होगा, इसलिए काट देता है। बोलो हाँ या ना, आप तो पूरा पेपर ही सही करके आते हो, वो तो उसका दिमाग खराब होता है जो दूसरा चेक करता है, हाँ या ना, बोलो। बिल्कुल, इसका मतलब हम तो 60 प्रश्नों का जो उत्तर दे के वो जो छात्र आया वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक दे के आया, गड़बड़ किसने करी, गड़बड़ तो चेक करने वाले ने करी। यानी कि एक सही करेगा तो 5 अंक मिलेंगे, वो तो घर आके यही कह रहा था ना मम्मी से, कह जी 60 के 60 क्वेश्चंस का आंसर दिया है तो मेरे तो 300 मार्क्स आएंगे। भाई 60 क्वेश्चन करे, एक सही के 5 नंबर मिलते हैं तो 300 नंबर ही आने चाहिए थे उसके, तो बोलो हाँ है ना भाई, वो तो 300 नंबर का करके आया पेपर, 60 सवालों के जवाब दिए, सही का 5 नंबर मिलता है, वो तो 300 का करके आया था। बोलो इतना समझ में आ रहा है, इतना डाउट नहीं है ना, बोलो इतना डाउट नहीं है ना, अरे आप बोलो इतना डाउट नहीं है ना, बोलो समझ में आ रहा है, खूबसूरत विशाल आ रहा है समझ में। हमने क्या कहा, वो 60 सवाल के आंसर दे के आया, सही सवाल करता है तो 5 नंबर मिलते हैं, तो वो तो 300 नंबर का पेपर करके आया है, जबकि उसके नंबर आए कितने, 230 नंबर उसको प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 230 प्राप्त होते हैं। भाई 230 इसका मतलब 300 क्यों नहीं मिले, 230 क्यों मिले, क्योंकि उसने कोई सवाल गलत भी करे होंगे, हाँ है ना। तो मैं देख सकता हूं कि उसको नंबर मिले कितने, केवल 230 मिले, इसका मतलब 70 उसके कट गए। बोलो भाई 300 उसको आने चाहिए थे, आए 230, इसका मतलब 70 उसके कट गए। अब 70 क्यों कट गए, क्योंकि उसने कुछ सवाल गलत किए होंगे। बोलो हाँ है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने तो सारे सवाल सही मान लिए ना, हमने तो सारे सवाल सही मान लिए ना, फोन को छोड़ दो, फोन में बाकी लोग देख लेंगे, आप सीधा देखिए, ये जो 60 सवाल उसने किए हैं, ये सारे के सारे जो 60 सवाल किए उसने तो सारे सही करे हैं ना, उसने तो सारे सही करे हैं, लेकिन ये 70 नंबर क्यों कटे, क्योंकि उसके उसको सवाल गलत हो गए होंगे। आप मुझे बताओ, अगर उसका एक सही सवाल, उसने तो सारे अपनी तरफ से सही करें, सारे 60 के 60 सही करें, अगर उसका एक सही सवाल गलत हो जाए तो कितने नंबर कम होंगे, एक सही सवाल है, एक सही सवाल, एक सही सवाल के 5 मार्क्स मिलते हैं, अगर वो सही सवाल उसका गलत हो जाए तो कितने नंबर कम होंगे, आप बोलो, 2 कम होंगे। मैंने कहा सही सवाल गलत हो रहा है, पहले सही मान के चल रहा था उसे, आप बताओ कमेंट में, मार दिया ना कान पे तो चले जाओगे दुकान पे। हम ये कह रहे हैं कि सही करता है तो 5 मिलते हैं, भाई उसके हिसाब से तो 5 प्लस होने थे, अब वो गलत हो गया, एक तो 5 कम हो गए, भाई सही सवाल को आपने गलत हो गया तो एक तो 5 नहीं मिले और 2 और कट गए तो 7 नहीं कट गए। अगर आप सही सवाल गलत करोगे तो क्या होगा भाई, एक आप तो आपने तो ये मान के चल रहे थे कि मेरा तो सही है, आपके हिसाब से तो 5 आने थे, लेकिन अगर वो गलत हो जाए तो पहली बात तो वो 5 ही घट जाएंगे और 2 नेगेटिव मार्किंग के घट जाएंगे। बोलो हाँ है ना। तो आप ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, मान के चलो मैं आपसे कहता हूं कि 2 सवाल गलत हो गए उसके, तो इसका मतलब 2 सवाल सही मान रहा था, 10 नंबर तो उसके वही कम हो गए, क्योंकि सही चीज गलत होगी 10 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होती तो भी 10 नंबर कम हो गए, और 2 और 2 4 नंबर उसके नेगेटिव के कम हो गए तो 14 नंबर कम हो जाते। बोलो हाँ है ना। यानी उसका एक सवाल सही जो वो मान रहा है, अगर उसका सही सवाल गलत होता तो 7 नंबर कटेंगे, ये सवाल ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो आपके हिसाब से अगर एक प्रश्न उसका गलत होता है तो कितने नंबर कटते हैं, 7। बोलो हाँ है ना। अच्छा अगर उसके 14 नंबर कट जाएं तो कितने सवाल गलत होंगे, अगर 21 नंबर कट जाएं तो, 35 नंबर कट जाएं तो, और 70 नंबर कट जाएं तो, इसका मतलब 10 सवाल उसके गलत होंगे, हाँ है ना। तो एक सही सवाल अगर गलत हो जाए तो 7 नंबर कटते हैं, तो इसका मतलब 70 नंबर कब कटेंगे, जब 10 सवाल गलत होंगे, हाँ है ना। यानी गलत कितने सवाल करे उसने, 10, गलत कितने करे, टोटल कितने करे थे,
टोटल कितने करे थे? 60 में से 10 गलत कर दिए, तो इसका मतलब सही कितने करे होंगे? पेपर में यही पूछ रहा है, बताओ उसने कितने सवाल सही करे थे, तो 50 सवाल सही करे थे। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? डाउट तो नहीं? आपका डाउट तो नहीं है भाई? आपका डाउट तो नहीं है? मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ 60 सवालों के उसने जवाब दिए, एक सही सवाल के 5 नंबर मिलते हैं, तो इस हिसाब से 300 आने चाहिए भाई। उसने 60 सवालों का जवाब दिया, तो 60 सवालों का अगर उसने जवाब दिया तो उसके हिसाब से 300 ही नंबर आने चाहिए उसके, एक सही सवाल का 5 नंबर मिलता है। लेकिन 300 आए नहीं, 230 आए, इसका मतलब 70 नंबर कट गए भाई। 70 नंबर क्यों कट गए? क्योंकि उसके कुछ सही सवाल गलत होंगे, कुछ सही सवाल गलत होंगे, इसलिए उसके 70 नंबर कट गए। एक सही सवाल अगर गलत हो जाए तो कितने नंबर कटते हैं? तो इसका मतलब उसके कितने सवाल गलत होंगे? 10। तो इसका मतलब सही कितने होंगे? 50। हाँ है ना? मैं एक सवाल और लगाता हूँ, चलो एक सवाल मैं और लगा देता हूँ, एक सवाल और लगाता हूँ। ध्यान से सब लोग करेंगे उस सवाल को, है ना? सब लोग बहुत ध्यान से करेंगे, सब लोग बी अटेंटिव। आप शेयर कर दीजिए क्लास को, ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। क्लास बेहद खास है, सब लोगों को बहुत पेशेंस के साथ में समझना है। इतना तो आपको विश्वास हो ही गया होगा कि अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपका पेपर के अंदर मैं कुछ भी नहीं छोड़ोगे, इतना ऐसा पढ़ा के जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक छात्र, अब इस छात्र का नाम रख देते हैं कुछ, ठीक है? इस छात्र का कुछ नाम रख देते हैं, छात्र का नाम रख देते हैं भाई विशाल रख देते हैं। विशाल एक परीक्षा में भाग लेता है, इस परीक्षा में सही उत्तर देने पर, सही उत्तर देने पर 7 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर 3 अंक काट लिए जाते हैं। इस प्रकार उस व्यक्ति को कुल 670 अंक प्राप्त होते हैं, 670 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि वो 100 प्रश्नों का उत्तर देता है। बताइए विशाल ने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया था? बताओ, ये प्रश्न है, सबको बताना है, आप सबको आंसर देना है इस सवाल का, सबको आंसर देना है खूबसूरत तरीके से। बहुत ही गजब का, बहुत ही जोरदार, बहुत ही लाजवाब सवाल मैंने लगा दिया है, आप सबको उत्तर देना है। सब लोग उत्तर दीजिए भाई, हमको ऐसा लगता है कि आप सब लोग इसका उत्तर देंगे। अब इसमें परसेंटेज क्या है, परसेंट वो मैं आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है? जल्दी बताइए, सब लोग बोलो ना, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मुंह खोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, मुंह खोलिए। बोलो ना, कह दो। चलिए हम बताते हैं, बहुत बढ़िया जो बता रहे हैं, बहुत सुंदर उत्तर बता रहे हैं भाई। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया? 100 प्रश्नों का दिया, तो भाई 100 प्रश्नों का दिया तो एक सही के 7 नंबर मिलते हैं, तो उसके 700 नंबर आने चाहिए थे। बोलो हाँ या ना? सही के 7 मिलते हैं, गलत के 3 कटते हैं भाई। अगर उसने सही 100 सवाल करें, 100 के 100 अगर सही होते तो 700 नंबर आते, बताओ? आसान बात है ना, एक सही उत्तर देने पर 7 मार्क्स मिलते हैं, इसका मतलब 100 सवाल वो कर रहा है तो उसका मतलब 700 नंबर उसके मिलने चाहिए। लेकिन एक्चुअली मिला कितना है? 670 मिला है, इसका मतलब कि 30 नंबर उसके कट गए। बोलो, 30 नंबर कट गए। अगर एक सही सवाल गलत होगा तो कितने नंबर कटेंगे? 7 और 3। बोलो क्लियर है भाई? एक तो सही वाला गलत हो जाएगा, 7 तो वो घटेंगे और नेगेटिव के 3 घटेंगे, तो 7 और 3 10 घटेंगे। इसका मतलब 30 कटे तो इसका मतलब कि उसके कितने सवाल गलत होंगे? 3 सवाल गलत होंगे। तो इसने टोटल कितने सवालों का उत्तर दिया? 100 का। 100 में से उसके सही कितने हैं? 97 सही है, 3 गलत हैं तो 97 सही है, ठीक है? बोलो क्लियर हो रहा है? फ़ोन कौन कर रहा है? क्यों फ़ोन करते हो बीच क्लास में? कौन है, कोई होगा आप में से? बताओ उत्तर, बताओ उत्तर, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 97 सही आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो, ठीक है। अब मैं इसमें परसेंटेज में कैसे सवाल पूछा था वो बताता हूँ, अगर आपको बेसिक थीम क्लियर हो गया तो। मैं ऐसा आखिरी सवाल लगा देता हूँ, इस छात्र का नाम भी बदल देता हूँ मैं, और इस सवाल को मैं आपको बता देता हूँ। 7 भी हटा देता हूँ यहाँ से, ये भी हटा देता हूँ, ये भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? चलिए, सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं आनंद, आनंद एक परीक्षा में भाग लेता है,
इस परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त होते हैं, जबकि गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। इस प्रकार उस व्यक्ति को, व्यक्ति कौन है, इस प्रकार आनंद को, आनंद है उसका नाम आनंद, इस प्रकार आनंद को कुल, आनंद को कुल कितना अंक प्राप्त होता है भाई, आनंद को मिलता है कुल 335 अंक प्राप्त होता है, जबकि वो 100 प्रश्नों के उत्तर देता है, जबकि वो 120 में से 100 प्रश्नों के होते हैं, टोटल पेपर में 120 प्रश्न आए थे और उसमें से 100 के उत्तर देता है। बताइए विशाल ने कितने प्रतिशत सवालों का, कितने प्रतिशत सवालों का सही उत्तर दिया, ये सवाल है बताओ, कितने प्रतिशत सवालों का सही उत्तर दिया। विशाल निया आनंद है ना, आनंद है ना, हिमांशु भाई आनंद है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विशाल निया आनंद है, खूबसूरत, बहुत जोरदार। हमको ये सवाल बताने, बताओ ना आप सब लोग बताओ, पहले मेरे को आप इतना ही बता दो सही कितने, मैं आपको फिर मान जाऊंगा, इतने में मैं आपको पता, फिर तो आप सारा सवाल कर पाएंगे, फिर सवाल में कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप ऐसा बात बता देते हैं तो। सब लोग बोलो ना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, सब लोग जल्दी से बोलो भाई, क्या आंसर आएगा सब लोग बताइए। बोलो जल्दी बोलो उत्तर, बोलो कमेंट में, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ मैं, सवाल ऐसा सवाल अक्सर आप पेपर में देख लेते हैं, बहुत खूबसूरत सवाल है, आइए करके मैं दिखाता हूँ सवाल को। कह रहे हैं आनंद एक परीक्षा में भाग लेता है, इस परीक्षा में सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त होते हैं, गलत देने पर 1 काट लिया जाता है, इस प्रकार आनंद को 335 अंक मिलते हैं, 120 में से 100 प्रश्नों के उत्तर देता है। यानी पेपर में सवाल तो 120 आते हैं, पेपर में कितने आते हैं, 120 आते हैं, लेकिन 120 की में से वो 100 का ही उत्तर देता है। भाई अगर वो 100 का उत्तर दे रहा है तो सही पर कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मिलते हैं, और गलत पर कितने काट लिए जाते हैं, 1 काट लिया जाता है। तो अगर उसने 100 प्रश्नों का उत्तर दिया तो 4 सही पे मिलते हैं, तो इस हिसाब से कितने मार्क्स उसको मिलेंगे, बोलो 400 मिलेंगे या सर नो। भाई 100 सवालों का उत्तर उसने दिया, 1 सही उत्तर देने पर 4 अंक मिलते हैं, तो इस हिसाब से 400 अंक मिलेंगे, समझ में आ रहा है, 400 अंक मिलेंगे, लेकिन उसको मिला कितना है, 335 मिला है, इसका मतलब उसका कितना अंक काट लिया गया, 65, बोलो 65 काट लिया गया, अरे बोलो भैया विशाल बाबू 65 अंक काट लिया गया ना भाई, 400 उसको मिलना चाहिए था। ही हैव अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस इन दैट एग्जामिनेशन, यू नो दैट द ऑफ फॉर द करेक्ट आंसर ही विल अवेल बाय 4 नंबर्स, देन इट इज ऑब्वियसली टू से दैट हिज स्कोर शुड बी 400, बट ही गेट ओनली 335 मार्क्स, then we can say that 65 marks has been reduced due to negative marking, yes or no? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर सही उत्तर देता है तो 4 मिलते हैं, गलत देता है तो 1 काटा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके 65 मार्क्स काटें। अगर एक सही सवाल को गलत ठहराओगे तो कितने मार्क्स कटेंगे, 5 कटेंगे, एक तो सही वाले 4 गलत हो जाएंगे और एक गलत का, एक नेगेटिव का 5 कटेंगे, तो इसका मतलब 65 कब घटेंगे, जब वो 13 सवालों के उत्तर गलत देगा, बोलो बताओ, जब 13 गलत देगा तभी तो कटेंगे ना, अरे बोलिए ना, अरे बोलो, अगर उसने 100 में से 13 गलत दिए तो सही कितने दिए होंगे, 87, बोलो हाँ है ना, 87 सही दिए होंगे, यानी सही कितने देंगे, 87। अब पूछ रहे कितने परसेंट, तो सवाल थे कितने पेपर में, जितना टोटल होता है नीचे रख देते हैं, इसमें से सही कितने करे इसने, अब परसेंट के लिए 0 से 0 काट सकते हैं, 6 × 12 5 × 10 आप इसको लिख सकते हैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 और 3 = 43 / 6 6 × 7 = 42 15 × 6 × 12 और 6 × 5 = 30 शायद ये इतना आएगा, 72.5%। आप एक बार काट लीजिएगा सही से, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 तो 6 × 7 = 42 और 15 × 6 = 12
और 30 हो गया तो 6×5=30। मेरे विचार में 72.5% आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कैलकुलेटिव कोई मिस्टेक है तो आप ठीक भी कर सकते हैं, इसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। आपको इस सवाल का करने का तरीका समझ में आना चाहिए। भाई अगर उसने 100 सवालों का जवाब दिया तो 4 के हिसाब से 400 आना चाहिए, लेकिन 335 से आया, इसका मतलब 65 गलत हुआ है। यानी कि सही सवाल गलत ठहराओगे तो 5 मार्क्स कट जाएंगे। एक तो सही का 4 घटेगा, भाई सही भी नहीं हुआ, सही सवाल मान रहे थे आप तो 4 मान रहे थे, वो सही नहीं हो तो 4 तो वो लेस हो गए, प्लस एक गलत होने का नेगेटिव का कट गया, तो 5 कट गए तो 13 सवाल गलत हो गए। 13 गलत हो गए 100 में से तो 87 सही हो गए, तो 87 टोटल एग्जाम में तो 120 मार्क क्वेश्चन आया था। परसेंट के लिए 100 का गुणा करके आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोलिए ना, समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे ऐसा सवाल अब नहीं करवाने जा रहा हूं। मैं और दूसरे सवाल और अगले टाइप की तरफ चल रहा हूं। जो सवाल मैं कराने जा रहा हूं वो सवाल बहुत ही सुंदर है, वो सवाल बहुत ही खूबसूरत है, वो सवाल एकदम इतना ऐसा है कि मान के चलो जैसे ताजमहल हो, इतना खूबसूरत सवाल है। ठीक है, ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत सवाल आपके सामने आ रहा है, ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सवाल आ रहा है। ऐसा सवाल आपने अक्सर पेपर में आता हुआ देखा होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो, अगर देने जा रहे हैं तब भी आपको ये सवाल आपके एग्जाम्स में अक्सर मिलेगा। कैसे उसका उत्तर बनाने, पहले आप सवाल का चेहरा देखिए, सवाल का चेहरा बहुत खूबसूरत है भाई, सवाल का चेहरा बहुत खूबसूरत है। सवाल क्या कह रहा है देखो भैया, क्वेश्चन है कि राम व श्याम एक परीक्षा में भाग लेते हैं, एक परीक्षा में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं राम बाईस अंक प्राप्त करता है, बाईस अंक प्राप्त करता है, किंतु दस अंकों से फेल हो जाता है। 22 अंक की जगह 22% अंक लिख लीजिए, 22% अंक प्राप्त करता है किंतु 10 अंकों से फेल हो जाता है। जबकि श्याम 40% अंक प्राप्त करता है, और वह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 26 अंक अधिक ले आता है। परीक्षा का पूर्णांक बताओ, ये सवाल है भाई, बताओ उत्तर बता दो इस सवाल का। खूबसूरत सवाल आपके सामने लहरा रहा है। सवाल में कह रहा है कि राम और श्याम दो है, एक दो लड़के हैं, एक परीक्षा में भाग लेते हैं। राम तो 22% अंक प्राप्त करता है किंतु 10 अंक उसके कम रह जाते हैं, पास नहीं हो पाता, 10 अंक से फेल हो जाता है। जबकि श्याम 40% अंक लाता है, अंक मतलब मार्क्स लाता है, और वो उस परीक्षा को पास होने के लिए जितने अंक उसको मिनिमम चाहिए उनसे भी 26 फालतू ले आता है। तो हमको ये बताना है कि परीक्षा टोटल उसका जो मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक है, वो कितना है, बताइए। ये सवाल है, खूबसूरत सवाल है, जोरदार सवाल है। ऐसे सवाल आज से पहले आपने कहीं कहीं देखा होगा, इतना सुंदर सवाल है। बताइए आंसर क्या होगा, बोलो सब लोग, बोलो जल्दी से, बताइए कमेंट में बताइए। बढ़िया सवाल है, बताइए। चलिए मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा कि यहां जीरो से कहानी चालू हो रही है और यहां परीक्षा का पूर्णांक है, यानी ये जीरो है और जीरो से आप आगे बढ़ते रहोगे तो पूर्णांक पे जाके पहुंच जाओगे। कह रहे एक आदमी जो है उसका नाम राम है, वो 22% अंक लाता है और फेल हो जाता है। मान चलो ये वो लाइन है जिसपे पास होते हैं, ये वो गरीबी रेखा है कि अगर इसके पीछे रह गए तो फेल हो गए और इसके आगे निकल गए तो
पास हो गए, है ना। अगर इसके पीछे रह गए तो जिंदगी जिंदगी ऐसा नहीं बोलते, बर्बाद हो गई जिंदगी, क्या हो गई बर्बाद। और अगर इसके आगे निकल गए तो भी क्या उखाड़ लोगे, तो भी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब पास हो जाओगे, ठीक सही है। चलिए मैं ये कहता हूं कि ये वो पासिंग मार्क्स वाली लाइन है, जो राम है वो राम इससे आगे निकल जाता है पीछे रह जाता है, बताओ ना, फेल हो जाता है मतलब पीछे रह जाता है। तो राम यहां कहीं पीछे रह जाता है, राम कितने परसेंट अंक लाता है, 22% लाता है, और इससे 10 अंक पीछे रह जाता है, कितने अंक रह जाता है 10%, ये परसेंट में ये अंक में ठीक ठाक, ठीक है। यानी यहां से जो लाइन है ना ये वाली, ये 10 अंक दूर रह जाती है, मतलब 10 अंक और ले आता तो इस लाइन पे पहुंच जाता, ठीक है, बोलो डाउट तो नहीं है। ऐसी जो श्याम नाम का दूसरा लड़का है वो कितने अंक लाता है, 40% लाता है, तो वो पीछे रह जाता है आगे निकल जाता है, कितने अंक आगे, यानी जितना है उसको चाहिए ना उससे भी 26 अंक फालतू ही निकल जाता है, यानी यहां कहीं पहुंच जाता है, ये 40% अंक लाता है, इसका नाम श्याम है, बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं है। आप हमें बताओ दोनों के परसेंट में कितना अंतर है, 18% का अंतर है, नो डाउट दोनों के परसेंट में 18 का अंतर है, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। आप मुझे बताना दोनों के अंकों में कितना अंतर होगा, आप लोग बताओ, ये तो यहां से 10 अंक पीछे है, ये यहां से 10 अंक आगे, 26 अंक आगे है, दोनों में कितना अंतर है आपस में। भाई मैं अगर आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे अगर ये कहता हूं कि यहां पे मान के चलो दिल्ली है, यहां पे मान के चलो मुंबई है, और इसके ठीक विपरीत दिशा में यहां मान के चलिए कोलकाता है, नहीं ऐसे मैं मान लेता हूं, दिल्ली से कोलकाता 10 किलोमीटर है, दिल्ली से मुंबई 20 किलोमीटर है, तो कोलकाता से दिल्ली 10 किलोमीटर का टाइम लगता है, फिर दिल्ली से मुंबई 20 किलोमीटर लगता है, तो बताओ कोलकाता और मुंबई में कितना फासला होगा, 30 किलोमीटर होगा ना, ये नो डाउट ना, ठीक है। यानी कि एक इससे पीछे 10 अंक है, एक इससे आगे 26 अंक है। देखो जिसको अब भी नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे समझ ले कि जितने पे पास होते हैं उससे 10 अंक वो कम लेके आए, मान के चलो 20 नंबर में पास होते हैं, कितने में पास होते हैं, मान लो मैं तो मान रहा हूं है ना 20 में पास होते हैं, तो बताना राम कितने मार्क्स लाया होगा, 10 लाया होगा ना, भाई 10 से फेल हो गया वो, तुम 20 मत मानो, तुम मान लो यहां पे 40 मार्क्स, ठीक है, फिर कहोगे जी 10 कैसे आया, मान लो 40 अंक पे पास होते हैं, कितने पास होते हैं भाई 40 पे, तो राम कितने कम लाया है, 10 कम लाया है, इसका मतलब राम कितने नंबर लाया होगा, 30 लाया होगा, भाई पास 40 पे होते हैं तो वो 10 नंबर कम लाया है राम जो है, और श्याम जितने पास होते हैं उससे 26 ज्यादा लाया है, तो मतलब श्याम कितना लाया होगा, 66 लाया होगा, भाई 66 ही तो लाया होगा, 40 में पास होते हैं 26 ज्यादा लाया तो 66 लाया होगा, राम लाया है 30, श्याम लाया 66, दोनों के नंबरों में देख लो कितना अंतर है, 36 का ही तो अंतर है, बोलो समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो हमारे हिसाब से परसेंट में कितने परसेंट का अंतर है और अंकों में कितना अंतर है, 36 का। अगर 18% 36 है तो 1% कितना होगा बताओ, अगर 18 = 36 है, अगर 18 रुपये में आपको 36 घूसे पड़ते हैं तो 1 रुपये में कितने पड़ेंगे बताओ, 2 ही पड़ेंगे ना, नो डाउट। तो पेपर तो 100% का होता है, 100% का पेपर होता है, तो 100% = कितना आ जाएगा, यही परीक्षा का पूर्णांक है, यही पूछ रहा है आपसे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए ना, क्लियर है। अगर हमसे पूछता बताओ राम के कितने नंबर आए थे, तो हम 22% का मतलब निकाल देते, 22 × 44 आए थे, बोलो। हमसे पूछ लेता श्याम के कितने हैं, तो 40 × 80 आए श्याम के, डाउट तो नहीं है किसी का, बिल्कुल क्लियर है ना, छापा मारो या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं अगला सवाल आपकी सेवा में डालता हूं। अगला खूबसूरत नगमा आपके लिए, अगला खूबसूरत नगमा, राम और श्याम एक परीक्षा में भाग लेते हैं, ऐसा ही सवाल एक और डालता हूं, फिर सवाल की शक्ल और अकल दोनों चेंज करूंगा, राम श्याम के नाम भी मैं बदल देता हूं, राम श्याम के नाम भी मैं बदल देता हूं, राम श्याम के भी नाम बदल देता हूं। बहुत ही खूबसूरत सवाल ये आपके लिए होगा, सवाल क्या है, सवाल ये कह रहा है कि शिवांगी तथा ये देखती हैं ये लड़कियां, एक तो शिवांगी है ना, कई सारे रेगुलर हैं, शिवांगी तथा और कौन देखती है, किसी का नाम लिख दे, किसका, बहुत सारी लड़कियां हैं, मान लो नेहा, एक नेहा पांडे भी देखती है ना, सब लोग बहुत बढ़िया, सब बहुत अच्छा, अब आप लोग प्यार दे रहे हैं, शिवांगी तथा नेहा इन दोनों बहनें देखती हैं एक परीक्षा में, ये दोनों परीक्षा में भाग लेती हैं ना, दोनों परीक्षा में भाग लेती हैं, शिवांगी तथा नेहा एक परीक्षा में भाग लेते हैं, शिवांगी पच्चीस प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, किंतु
फेल हो जाते, ठीक, माँ बुरा मत मानना, तो किंतु 14 अंकों से फेल हो जाती है, जाती है। देखो इस कितनी शक्ति है इस मार्कर में, अभी लड़का था ऐसे करते लड़की बना दी उसकी, जाता है जाती है, ठीक है। जबकि नेहा, जबकि नेहा, जबकि नेहा 62% अंक प्राप्त करती है, देखो तुरंत से लड़की बना देता हूँ मैं इसका, करती है, और वह, और वह पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से, न्यूनतम अंकों से कितना कितना ज़्यादा लाती है बोलो ना, अभी बताते हैं भाई आपको, बिल्कुल बताते हैं अभी। सतानवे अंक ज़्यादा ले आती है, ठीक है, ज़्यादा ले आती है। परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है, चलो करो सवाल को, बताइए आंसर, सब लोग, सब लोग आंसर बताएंगे, बहुत प्यार से बताएंगे, सब लोग सवाल का उत्तर देंगे। बोलिए भैया, सब लोग बोलिए, सब लोग सवाल का उत्तर दीजिए, सब लोग सवाल का उत्तर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा सब लोग बताइए, सब लोग बोलो, सबको आंसर बताना है, ठीक है। सब लोग आंसर बताइए, सब लोग उत्तर दीजिए, सवाल का जवाब बताइए। बोलो ना, बोलो बोलो, सही है सही है, उत्तर ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत आंसर दे रहे हैं आप लोग। चलिए हम बता देते हैं सवाल के आंसर को कैसे आपको करना है, बहुत बढ़िया, आप जो भी बता रहे हैं अच्छा बता रहे हैं। मान के चलिए यहां पे जीरो है और यहां पे पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, यहां जीरो है, जीरो वहां पे पूर्णांक, कह रहा है कि मान के चलो ये पासिंग मार्क्स है, ये वो लाइन है जिसपे पास होते हैं, तो शिवांगी 25% अंक प्राप्त करती है, 14 से फेल हो जाती है, तो ये मान के चलो यहां पे शिवांगी है, शिवांगी, और ये लाती है 25% मार्क्स और 14 अंक पीछे रह जाती है, 14, ठीक है जी, फेल हो जाने का मतलब पीछे रह जाती है। और दूसरी लड़की नेहा है, नेहा, नेहा लाती है 62% मार्क्स, 62% मार्क्स लाती है, और यहाँ जो पास होते हैं उससे 97 मार्क्स ज़्यादा लेके आती है। क्लियर है आपको, सबको आ रहा है समझ में, ये 14 मार्क्स कम लेके आती है, 97 मार्क्स ज़्यादा लेके आती है। आप मुझे बताइए कि इन दोनों के परसेंट में कितना डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है 25% और 62 में, बोलो ना, 37% का डिफरेंस है ना, अरे बोलो, और दोनों के मार्क्स में ये 14 अंक पीछे और 97 अंक आगे है, तो 111 हो गया ना, अरे बोलो, वो 14 पीछे है, यहाँ से 14 पीछे है और यहाँ से 97 आगे है, तो 14 आगे कितना अंतर हो जाएगा, 111, क्लियर है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1% = 3 आ जाएगा, अरे बोलो, अरे 1 × 37 करोगे तो 37 उधर नीचे चला जाएगा, 37 × 3 = 111 होते हैं, बोलो ना, अरे बोलो, 111, तो 1% अगर 3 है तो 100% कितना होगा, और 300 ही वो उत्तर है जिसकी आपको बेसब्री से तलाश थी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है, खूबसूरत। अगला सवाल मैं आपके लिए लगाता हूँ, अगला बेहद जोरदार सवाल, बेहद जोरदार सवाल मैं आपके लिए लगाता हूँ, नाम चेंज कर लेते हैं इनके और सवाल भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, नाम और सवाल दोनों चीज़ें चेंज कर लेते हैं, बहुत ही खूबसूरत सवाल लगाऊंगा मैं, आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर आप अभी भी किसी का डाउट बचा हुआ है तो बिल्कुल चिंता ना करें, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, सब लोग, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सवाल होंगे आज, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप सब लोग देखेंगे। 8:36 के लगभग का समय हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से पढ़ते रहिए, चीज़ें बहुत आपके लिए सुकूनदायक हो जाएंगी। सवाल कह रहा है कि क्या नाम रखें, बताओ बताओ क्या नाम रख लें, कुछ तो बोलो, हिमांशु, हिमांशु तथा हिमांशी, ठीक है, नहीं यार एक जैसे नाम अच्छे नहीं लगते, हिमांशु तथा अंकित ले लेते हैं, चलो हिमांशु तथा अंकित एक परीक्षा में भाग लेते हैं, अंकित
अंकित अंकित कितने, अंकित तो ज्यादा नहीं करेगा, 18% ही करेगा, 18% अंक प्राप्त करती नहीं करता है, किंतु किंतु 64 अंकों से फेल हो जाता है, जाता है भाई जाता है। जबकि हिमांशु, हिमांशु के भी काम मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लग रहे हैं, जबकि हिमांशु 26% अंक प्राप्त करता है, अंक प्राप्त करता है, और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है। बताइए अंकित के कितने अंक प्राप्त हुए थे। अंकित को कर दें, अंकित को कितने अंक प्राप्त या हासिल हुए थे बताओ। ये बेहद खूबसूरत नगमा आपकी सेवा में, बहुत खूबसूरत सवाल है भाई, इतना खूबसूरत तो आपने बचपन में भी नहीं देखा होगा सवाल, जितना ये सवाल खूबसूरत है। खूबसूरत हो तुम, बोलो बोलिए, ऐसे तो सुना देते हैं आप, बताइए उत्तर, सब लोग दीजिए सवाल का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, दिल को छू जाएगा सवाल, आपके जीवन में एक नई रोशनी पैदा कर देगा सवाल, ऐसा सवाल है ये, बताओ। घर की कलेश से छुटकारा दिलाएगा, एकदम बाबा बंगाली टाइप का सवाल है, ठीक है, जादू टोना सबसे मुक्ति दिलाएगा। देखिए सवाल बहुत खूबसूरत है सवाल, हिमांशु अंकित एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, अंकित हटा रहे, देखो ये मैं ऐसा मान लेता हूं बिल्कुल कि यहां पे जीरो लगा दिया मैंने, यहां पूर्णांक कर दिया, पूर्णांक कर दिया, यहां पे मैं लगा लेता हूं, ये वो वही गरीबी रेखा है, ठीक है, हाँ ये हिमांशु, ये रहा यहां पे हिमांशु, हिमांशु कितने परसेंट लाया है, नहीं हिमांशु तो ज्यादा लाया, अंकित है, अंकित लाया 18%, और कितने से फेल हो गया, 64 से फेल, पीछे रह गया ना, और हिमांशु आगे निकल गया, पीछे रह गया, ये भी पीछे रह गया हिमांशु भी, ये 26% लाया है, और ये कितने अंकों से फेल हुआ है, 32 से, ठीक है ना। आप दोनों के अंकों में डिफरेंस बताओ मेरे को, परसेंट में, परसेंट में 8% का अंतर है ना, बोलो भाई, उसके 18% है, उसके 26% है, तो 8% का डिफरेंस है। अच्छा, उसके पास होने से 64 कम है, इसके पास होने से 32 कम है, तो दोनों के अंकों में कितना फर्क होगा, 32 का ही फर्क होगा ना भाई। मैं कह रहा हूँ मान के चलो 50 कितने पे पास होते हैं, मान के चलो 70 नंबरों पे पास होते हैं, 70 नंबर पे पास होते हैं, तो बताना ये अंकित कितने लाया होगा, 64 से फेल हुआ है, तो इसका मतलब 6 ही नंबर लाया होगा ना, बोलो। और हिमांशु जो 32 से फेल हुआ है, तो हिमांशु कितने लाया होगा, 70 से 32 कम लाया होगा, हाँ है ना, यानी कि कितने लाया होगा, 38 लाया होगा, तो 6 में 38 में 32 का ही तो डिफरेंस है। एक अब देखो सुनो, जो रट्टा मारते हैं ना उनको बताता हूँ, जो इस गरीबी रेखा के एक ही तरफ है तो दोनों अंकों को घटा लेना, और अगर एक इस तरफ है एक उस तरफ है तो दोनों को जोड़ लेना, दोनों उस तरफ भी हो तब भी घटा नहीं है, दोनों इस तरफ हो तब भी घटा नहीं है, यदि एक इधर है एक उधर है तो जोड़ना है, ठीक है। चलिए 8% किसके बराबर हो गया, 32 के, तो 1%, तो अगर मैं अंकित की बात करता हूँ तो अंकित के 18%, अंकित के बताने ना, तो अंकित के कितने परसेंट नंबर हैं, 18 है ना, अगर 1% 4 के बराबर है तो 18 किसके बराबर होगा, 72, हाँ है ना भाई, 8 × 32 तो 4 गुना हो रहा है ना, तो 18 × 72 सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, डाउट तो नहीं बनता, बोलो ना, डाउट तो नहीं बनता। चलिए अगला सवाल आपके लिए लगा देता हूँ, अगला बेहद खूबसूरत नगमा आपके लिए लगाता हूँ, इसका जवाब देना ही पड़ेगा आपको, सही है, बोलो ना, दोगे जवाब, चलिए इसका जवाब दे देना भाई, सब लोग जवाब दे देना। अगला सवाल आपके लिए मैं लगाता हूं, अगला सुंदर सवाल लगा दो भैया। सवाल कह रहा है कि दो छात्र कौन कौन, क्या नाम रख लें बताओ,
दो छात्र विराट तथा अनुष्का। सही है, ठीक है। विराट तथा अनुष्का एक परीक्षा में क्रमशः 40% तथा 64% मार्क्स लाते हैं, यानी अंक लाते हैं, और वे दोनों पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से क्रमशः 20 तथा 68 अंक अधिक लाते हैं। बताइए इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी, बताओ। ये सवाल है, इस परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ऐसा सवाल है। इसका उत्तर आप लोगों को देना है, बहुत खूबसूरत सवाल है ये, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। विराट अनुष्का एक परीक्षा में, देखो बता देता हूं, यहां मान चलो मिनिमम जो आंसर बता रहे हैं बहुत बढ़िया, यहां मिनिमम मार्क्स 0 है और यहां पे पास ये मैक्सिमम मार्क्स है, यहां पे अधिकतम है, मैक्सिमम मार्क्स है, ये वो गरीबी रेखा है जिस पे पास होते हैं, ठीक है जी। दोनों ही पीछे रह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो विराट कितने लाता है, 40 लाता है, विराट लाता है 40, और अनुष्का कितने लाती है, 64 लाती है ना, दोनों ही पास हैं, आवश्यक से दोनों ही ज्यादा लाते हैं। विराट कितने ज्यादा लाता है, 20, यानी विराट यहां से 20 नंबर ज्यादा लाता है और अनुष्का यहां से 68 ज्यादा लेके आती है, ठीक है। विराट 20 नंबर ज्यादा लेके आता है और अनुष्का 68 नंबर ज्यादा लेके आती है, ये 20 नंबर ज्यादा लेके आता है और अनुष्का 68 नंबर ज्यादा लेके आती है, दोनों के परसेंट में कितना डिफरेंस है, बोलो ना। अनुष्का विराट के अंकों में कितना अंतर है, 24% का अंतर है, 24% का, और जबकि अंकों में कितना अंतर है भाई, 20 इसके ज्यादा है, 68 इसके ज्यादा, यानी दोनों के अंकों में 48 का डिफरेंस है, बोलो क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो आप कह सकते हो कि 1% दो अंक के बराबर है, अरे बोलो 1% दो अंक के बराबर है, हाँ या ना। अब आपको यह बताना है कि यहां वाला जो पास होते हैं, ये पूछ रहा है कि बताइए पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की, यानी अंकों में बताना है कि न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। तो आप देखो, या तो विराट से निकाल दो या अनुष्का से निकाल दो, बताओ 1% किसके बराबर है, दो अंक के, तो बताना विराट के नंबर कितने आए होंगे, 80, बोलो विराट के 80 अंक आए होंगे ना, अरे बताओ भाई विराट 40% लाया है, तो अगर 1% दो अंक के बराबर, तो 40% 80 के बराबर होगा, अगर 1 बराबर 2 तो 40 बराबर 80, तो 40 जब 80 के बराबर होगा, 20 नंबर ये फालतू है इसके, इसका मतलब 20 कम भी लाता जब भी पास हो जाता, 20 कम भी लाता जब भी पास हो जाता, 20 कम मतलब 80 में से 20 आप कम करो तो कितने हो गए, 60, यानी 60 अंक भी लाता तो भी पास हो जाता, इसका मतलब न्यूनतम 60 अंक चाहिए इस पेपर में पास होने के लिए, बोलो क्लियर हो रहा है, बोलो हाँ है ना। देखो ये तो वीडियो है भाई, अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी सेशन लास्ट होगा, इसके बाद में आप इसको रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बार बार मैं रिपीट करूं इसका कोई फायदा नहीं है। अभी 10 मिनट बाद में हम लोग मुलाकात करेंगे परीक्षा घर पर,
करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर बहुत जोरदार गजब के सवाल लेकर आ रहा हूँ, सारे लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा। आप दोस्तों शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास करना ना भूलें, फिर उसके बाद रात को 8 बजे हिस्ट्री की क्लास भी करना ना भूलें। आप जानते हैं कि हिस्ट्री आपको विवेक सर पढ़ा रहे हैं और ज्योग्राफी को मैं आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद और भी टीचर्स आके आपको अन्य अन्य सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराएंगे, तो बिल्कुल चिंता ना करिए। दिल्ली पुलिस का जो बैच जो हमने आपसे वादा किया, कमिटमेंट किया, इसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पूरा का पूरा बैच पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप सब लोग अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने जीवन में खुशियां लाते रहिए। नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।